गाइस, हमारे घर में पड़ा था ये वाला कबाड़ा, और मैंने झटका मशीन बनाने के लिए इसमें से ढूंढी मैंने 100 रुपये प्लेट। जो एक तो ये पड़ी हुई थी और एक देख तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, और वायर वगैरह इसमें से लेंगे अपन। चलिए मैं इनको ले लेता हूँ। और तो दोनों कुछ इस प्रकार हैं, तो इनको मिला के देखते हैं कितने वोल्टेज बनते हैं कितने नहीं बनते हैं। और इनमें से ले लेते हैं होम थिएटर का, जो ये देख सकते हो ये पड़ा हुआ है। इनमें से एक वायर का वायर, कुल मिला के कुल इस जुगाड़ से ही हम बनाएंगे झटका मशीन। और कुछ नया जो आइटम है, जैसे कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन तो ऑनलाइन मंगा लेंगे। और दोस्तों, ये पहले बनाई थी मैंने, तो उसी का बॉक्स है। मैं एक बार और बना के दिखा रहा हूँ आपको। अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, किसी भाई ने कमेंट किया था, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और अच्छे से बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले आप वीडियो लाइक कर दो। तो देख सकते हो मेरे पास है ये रैकेट सर्किट, जो मच्छर मारने का रैकेट आता है उसका सर्किट है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, पहले बनाया था तब। तो देख सकते हो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। तो मैं अभी से बदलते हो, आपको बॉक्स को साइड में रख लेते हैं अपन। तो बॉक्स को तो मैंने साइड में रख दिया है, और आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो एसी के जो वायर है कुछ इस तरफ लगेगी। एक तो यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। इसमें देख सकते हो एसी लिखा हुआ है। सबसे पहले एसी वाले कनेक्शन कर लेते हैं, एक एक करके दोनों लगा लेते हैं। तो पहले मैं ये वाला लगा लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरे वाले को यहाँ पे लगा दूँ। देख सकते हो एसी वाला जो वायर है ये हमने लगा दिया है। और अब जो बैटरी वाला जो है माइनस प्लस का, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे आपको लगाना है। तो देख सकते हो मैंने एक रेड ले लिया है, एक ये पीला वाला ले लिया है, और इसका कनेक्शन करते हैं। तो रेड वाले को प्लस में लगा लेते हैं। तो ये रेड वाला मैंने प्लस में लगा दिया है। तो देख सकते हो मैंने रेड वाला इस प्लस में लगा लिया है, और माइनस वायर को आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसकी जगह ब्लैक भी ले सकते हो आप, मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लगाना है आपको 4000 kV के लिए बड़े वाले वायर, जिस मोटे वाले वायर कुछ इस प्रकार के थे मेरे पास। तो एक एक करके मैं दोनों को लगा लेता हूँ। वो पहला वाला वायर मैंने इस प्रकार लगा दिया है, वो सेकंड वायर को मैं ऐसे लगा लेता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार इसकी वायरिंग है कम्प्लीटली। तीन मतलब तीन हिस्सों में इसकी वायरिंग है। एसी के हो गए, डीसी बैटरी के लिए हो गए, और ये एसी के लिए होगी ऑफिस, तो अपने झटका जो लगता है, झटका मशीन का झटका होता है उसके लिए। और आप इस साइड से देख सकते हो मैंने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे ये लगाया है मैंने, ये बैटरी वाला यहाँ पे लगाया है, एसी वाला यहाँ पे लगाया है। और इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए बॉक्स के अंदर इसको फिट करते हैं। तो देख सकते हो ये बॉक्स मैं ले आया हूँ, और इस बॉक्स के अंदर इसको फिट करते हैं। और चलिए मैं इसको फिट करता हूँ, और इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। तो इससे बोल्ट की मदद से मैं इसको नीचे से कस लेता हूँ। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो अगर आप, तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस वगैरह के बारे में पूछ सकते हो। देखो एरिया अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेस होती है, तो डिलीवरी चार्ज के हिसाब से आपको प्राइस बताई जाएगी, और फिर आपको ये पहुंचाई जाएगी। तो ये मैंने फिट कर लिया है, और इसकी कैप है इसको भी लगा लेते हैं। इसके कनेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले से बैटरी लगा लेते हैं। और दोस्तों
बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, तो उसमें एक झंझट होती है तो ब्लिंक कराने के लिए रिले की, जो किस प्रकार होती है मैं आपको बता दूँ। जो कुछ इस प्रकार की रिले के बारे में बताते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, रिले की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और बहुत महंगा पड़ता जुड़ा। तो इस रिले की झंझट को मैं हटाते हुए आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ सस्ता, और दोस्तों वह जुगाड़ है ये, आप देख सकते हो ये जुगाड़ लगाने वाले कौन सा सिस्टम के लिए, ब्लिंक कराने के लिए। अनलिमिटेड अगर इसको चलाना चाहते हो आप, ये खराब हो जाएगी, तो इसको ब्लिंक कराने के लिए ये वाला जुगाड़ लगाएंगे। इसके कनेक्शन किस प्रकार होंगे वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप इससे परचेज करना चाहते हो पहले व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, ये क्या चीज़ होती है, आपके मार्केट में मिलती है नहीं मिलती है, तो मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए कि ये क्या चीज़ है कैसे क्या होता है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पहुँच सकते हो। रिले जैसे ही काम करेगी, करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता दूँ। इसमें जो ये लिखा हुआ है LED प्लस है और LED माइनस वाला, इसमें लगाएंगे अपन ये वाला कनेक्शन। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ कनेक्शन, बैटरी के लिए मैंने दो वायर ले लिए हैं, मैं इसको लगा लेता हूँ रेड ब्लैक कलर। तो ये मैंने लगा दिया इसमें प्लस, और ये हो गया बैटरी माइनस। समझ में आया आपको दोस्तों, 2000 mAh की मेरे पास से 3.7 volt की बैटरी पड़ी थी पुरानी, तो मैं इसे लगाने वाला हूँ। आप अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो हमसे भी कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कैटलॉग है, कैटलॉग में जाके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये भी मिलेगा वहाँ पे आपको, ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मतलब इस जो मशीन का जो टोटल आइटम है वो सब कुछ आपको हमारे कैटलॉग पे जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। और इसको कम्प्लीट अगर आप मंगाना चाहते हो, कम्प्लीट बना बना हुआ, तो वो भी मंगवा सकते हो, उसकी भी प्राइस के बारे में आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ कवाड़ा से बोर्ड, तो इसमें से कुछ डाइवर्ट जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से साफ करेंगे और इसको निकालते हैं। तो देखते हो मैंने साफ कर लिया है कम्प्लीटली इसको, और ये जो वाइट पट्टी दिख रही है आपको, इसका अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार लगाना है इसको। तो मैं इसे लगा लेता हूँ, देखते हैं ये वॉइस पट्टी मैंने इस तरफ रखी है, तो इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ। चलिए मैं इसमें नीचे वाले में इसको लगाता हूँ, जिस प्रकार मैंने सेट कर लिया है, और ये माइनस वायर है इसे तो मैं लगा लेता हूँ माइनस वाले को भी, देखते मैंने इसमें लगा दिया। तो ये प्लस वाला वायर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, देख सकते हो जिस प्रकार मैंने लगा दिया है माइनस पॉइंट पे, कुछ इस पर भी लगाते हैं प्लस पॉइंट पर। तो यहाँ की वायरिंग कुछ इस प्रकार हो गई, ये देख सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों मेरा, लेकिन आपको मैं एक्चुअली बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए मैं इसे चार्ज लगा के दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो चार्जर के समय इसका इंडिकेटर चल गया है, और जो इसमें सप्लाई है यहाँ पे देख सकते हो ये भी ब्लिंक करना शुरू हो गई है। टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग में आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक स्पार्क कर रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे। चलिए इसमें एक बैटरी लगा लेते हैं, तो मेरे पास ये लिथियम बैटरी है, 3.7 volt की बैटरी है, इसमें यहाँ पे 6 volt का घट्टा भी लगा सकते हो, 4 volt का भी लगा सकते हो। तो मेरे पास ये थी तो ये लगा ली मैंने इसमें, तो चलिए इसके बाद इसकी टेस्टिंग तो मैंने कर ली, एक बार मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रही है ये, और चार्जिंग का भी प्रोसेस मैंने बताया आपको कम्प्लीटली चल रहा है। तो ये थी इसकी बेसिक सी वायरिंग, और अगर आप इसके रिले के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूँगा, तो वहाँ पर पहुँच लेना। चलिए सबसे पहले आपको ये सोलर का जो पैनल है, दो मेरे पास दो टुकड़े छोटे छोटे मैंने चाइना जो बैटरी आती है उसमें से निकाले हैं, चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हो नीचे मैंने इसमें लगा दिया माइनस वाला है, और ये जो रेड कलर का ये प्लस वाला है, तो डायोड के इस तरफ लगाना है आपको।
तो ये मैंने लगा लिया इसमें। चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, मैं एक बात आपको कहना भूल गया हूँ, और हमारा अगला वीडियो आने वाला है जो आप देख सकते हो। अभी तो मैंने इस रैकेट के सर्किट पे बनाया है, अगला वीडियो आने वाला है मेरे पास, तो मैंने मंगा लिया है ऑनलाइन ये कन्वर्टर, ये देख सकते हो। अगर आप भी इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो देख सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप स्टोर की कैटलॉग है, इनमें जाके आपका कोई भी आइटम ऑर्डर कर सकते हो। तो प्राइस वगैरह मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, तो जल्दी से जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और कंप्लीट मंगाना चाहते हो तो फिर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर झटका मशीन कंप्लीट चाहिए आपको फिर भी ऑर्डर कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने चार्ज के समय भी इसको चार्जिंग करके दिखाया है, और देख सकते हो जल्दी से जाओ, जल्दी से ऑर्डर करो, कोई भी पार्स हो या पूरी कंप्लीट।